गेहूं की फसल में मंटूसी नामक खरपतवार को लेकर किसानों को जागरूक रहने की जरूरत है। जागरूकता से ही मंटूसी नामक खरपतवार से छुटकारा पाया जा सकता है। ये बात करनाल में मीडिया से रूबरू होते हुए उपनिदेशक कृषि विभाग आदित्य प्रताप डबास ने कही। उन्होंने बताया कि इस बार जिले में 1,70,000 हेक्टेयर जमीन में गेहूं की फसल लगाई गई है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि इसकी रोकथाम के लिए हर वर्ष गेहूं लगाने के बाद लगभग 50 या 55 दिन के अंदर अंदर मंटूसी रोकथाम के लिए स्प्रे अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर स्प्रे करने में देर हो जाती है तो मंटूसी खरपतवार अपने पैर पसार लेती है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष एक ही प्रकार का स्प्रे करने से ये खत्म नहीं होती, इसलिए हर वर्ष अलग अलग स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए ताकि मंटूसी को जड़ मूल से समाप्त किया जा सके। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि लगभग एक महीने के अंदर गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी, इसलिए कृषि विभाग के पोर्टल पर समय समय पर अपडेट देखते रहें ताकि बरसात की जानकारी मिलती रहे। उन्होंने कहा कि इस समय फसलों में कम से कम पानी दें, क्योंकि अगर बरसात हो जाती है तो फसलें खराब होने के आसार बन जाते हैं। उन्होंने किसानों से ये भी कहा कि वह कृषि विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रह सकते हैं और नई तकनीक के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो खरपतवार की बात है वो इस वर्ष नहीं, प्रत्येक वर्ष ही मंडूसी की खरपतवार का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा रहता है। हम बार बार किसानों को समाचार पत्रों के माध्यम से और दूसरे भी हमारे कैंपों के माध्यम से समझाते आए हैं कि मंडूसी का सही समय यानी कि स्प्रे करने का सही समय क्या है, उसमें दवाई कौन सी दवाई प्रयोग होनी चाहिए, नोजल पंप कैसा होना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए। इन सब बातों का जिन किसान भाइयों ने ध्यान रखा है उनके यहाँ मंडूसी कंट्रोल हुई है, और जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बिजाई के 50 दिन बाद 2 महीने बाद छिड़काव किया है और मशीन से स्प्रे किया है या उन्होंने मंडूसी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, निश्चित तौर पर ऐसे किसानों के यहाँ मंडूसी की समस्या सामने आएगी। तो सर, क्या इससे उपज में भी फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा। हाँ, मंडूसी एक मुख्य खरपतवार है गेहूं का। अगर जो इसको समय पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो इससे उत्पादन में कमी आ जाती है, क्योंकि इसके पौधे ज़्यादा हो जाते हैं, गेहूं के जो पौधे होते हैं उनको ये दबा लेती है। तो इस तरीके से मंडूसी का समय पर प्रबंध करना बहुत ही आवश्यक है। सर, करनाल जिले में कितने रकबा गेहूँ का है? करनाल जिले में 1,73,000 हेक्टेयर एरिया में गेहूं की बिजाई हुई है। जहां तक आप खरपतवार की बात कर रहे हैं, खरपतवार केवल उन्हीं किसानों के यहां ज़्यादा है जिन्होंने समय पर इसके अंदर स्प्रे नहीं किया, सही टेक्निक से नहीं किया, और सही तरीका जो उसमें स्प्रे करने होता है ये दवाई का इस्तेमाल है। जैसे अभी बहुत सारी आपने देखा होगा कि बार बार एक ही दवाई का प्रयोग करने से मंडूसी में रेजिस्टेंस भी डेवलप हो चुकी है, यानी कि एक दवाई के पिछले 6, 7, 8, 10 साल स्प्रे कर रहे हैं तो उससे मंडूसी खात्मा नहीं होता है। हम किसान भाई को सलाह देते आए हैं कि वो मंडूसी के खात्मे के लिए प्रत्येक वर्ष दवाई का चयन करते समय ध्यान रखें कि जो पिछले साल दवाई ने लगाई थी उसको अब उसकी बात आवश्यक रूप से बदलें। सर, जिले में कौन से ज़्यादातर ऐसे एरिया हैं जहाँ पर खेतों में मंडूसी की ज़्यादा है? देखिए, एरिया कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि इस खंड में इस ब्लॉक में ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट का पार्ट है, एक प्रबंधन का पार्ट है। जिस किसान भाई ने मंडूसी का प्रबंधन ठीक तरीके से कर लिया है, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, उसके वहाँ मंडूसी नहीं मिलेगी, और जिस किसान भाई ने मंडूसी का प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं किया है उनके वहाँ मंडूसी मिलेगी। तो सर, आपके संज्ञान में भी लगातार ये बात है, तो किसानों से किस तरह की को सलाह देंगे आप? देखिए, अब तो क्योंकि मंडूसी का जो मारने का समय होता है वो जा चुका है। हम हर बार किसान भाइयों से कहते आए हैं कि मंडूसी का स्प्रे आप हर हालत में गेहूं के बिजाई के 50 से 55 दिन तक कर लें। 50 से 55 दिन के बाद जब अगर जो मंडूसी का स्प्रे होता है तो उसमें मंडूसी कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन कई किसान भाई उसको बिजाई के 70 या 80 दिन के बाद भी स्प्रे में लगे रहते हैं, तब तक मंडूसी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है और मंडूसी काबू में नहीं आती है। इसका एक बहुत ही समय चरणबद्ध एक तरीका है जिसके चरणबद्ध तरीके से ही मंडूसी से निजात पाई जा सकती है। सर, इस महीने या आखिर में फसल कट जाएगी या फिर अगले महीने की शुरुआत में, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें किसान? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसे मौसम परिवर्तित हो रहा है, 3-4 दिन पहले बहुत गर्मी थी, आज मौसम ठंडा है, तो हमारे
विभाग की जो हमारे विभाग की साइट है, मौसम विभाग की साइट है, हरियाणा सरकार की साइट है, उस पर 10,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। वो प्रतिदिन ये देखते रहे कि भी किस एरिया में कहाँ बूंदाबांदी के किस तरह के आसार हैं। इन स्थिति में वो अपनी फसलों में पानी ना लगाएं और जो बारिश की संभावना है, और अभी किसी किसान भाई को पानी भी लगाना पड़े तो बहुत हल्का पानी लगाएं, ताकि हल्के पानी लगाने से जो हवा चलेगी उससे पौधे गिरे ना, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कि मौसम विभाग की जानकारी लेकर ही अगर जो किसी खेत में एक आखिरी इरीगेशन या सिंचाई की आवश्यकता है तो उस सिंचाई को मौसम विभाग की सूचना के अनुसार ही करें, हल्का पानी लगाएं, ये एक विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अभी कटाई का समय तकरीबन एक महीना है, एक महीने के बाद कटाई का कार्य आरंभ होगा। जब तक किसान अपने खेतों में कोई भी खाद का प्रयोग या कोई इस तरह की दवाई का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस समय पर किसी प्रकार का खाद, किसी प्रकार की दवाई का पौधों पर कोई असर नहीं होगा। वो ब्रेकिंग न्यूज राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।